दोस्तों आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं क्लब लाइट 12 प्रो कंट्रोलर के बारे में। ये कंट्रोलर जो है आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लैन केबल कनेक्ट करने होते हैं कंप्यूटर से, और ऑफलाइन के लिए आपको एसडी कार्ड में प्रोग्राम डालने होते हैं। यहाँ पे आपको एसडी कार्ड मिलता है 4 GB का, ठीक है। मेनली इसका यूज जैसा कि आप नाम देख रहे हैं क्लब लाइट 12 प्रो, तो 12 जो है इसमें 12 आउटपुट है, और पर आउटपुट पर आप 1000 LED चला सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको एसडी कार्ड से आप जो है ऑफलाइन प्रोग्राम चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑनलाइन कैसे हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें लेन कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में आपको कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो है आपको नेटवर्क सेटिंग करनी होती है, तो मैं आपको नेटवर्क सेटिंग करके दिखाऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर वीडियो चला रहा हूँ मैट्रिक्स से, और यहाँ पे देखिए हमारा एक पोर्ट कनेक्ट है, तो हमारे ये जो है पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अभी लाइव मोड में चल रहा है। अब जो हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में दिखा देते हैं, ताकि आपको ये कंट्रोलर की सेटिंग करनी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को भी बंद करने हैं, विंडोज प्लस आर में जा कर के नेटवर्क सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए जो भी आप नेट लगाएंगे, तो यहाँ पे इथरनेट शो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ पे जा कर के आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, TCP IPv4, और ये वाला आईपी एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ये वाला आईपी एड्रेस इस कंट्रोलर के लिए है, ये वाला डाल करके ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपको जाना है मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर में, और मैं दिखा दूँ मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर में, उसके बाद मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर में क्या सेटिंग करना है। मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर में जाना है आपको प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे जाना है सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में, या आर्टनेट में जाना है। तो मेरा पहले से आ चुका है, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। आपका कंट्रोलर कनेक्ट रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जैसे ही सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपके जितने यूनिवर्स है ऑटोमेटिक ये सर्च करके लेकर दिखाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो है, टोटल यहाँ पे हमारे 72 यूनिवर्स आ गए हैं, ठीक है। अब जाके आपको क्या करना है, DMX में जा करके कंट्रोल ऑल करके सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सबको ऑन कर सकते हैं। इनेबल कर दिया मैंने यहाँ, आप देख सकते हैं, और अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है आप पैच करके इसे चला सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑलरेडी पैच है, तो मैं दिखा देता हूँ हमारा पैच एडिटर। यहाँ पे देखिए हमारा सारा LED प्ले पैच है, तो ये हमारा चल रहा है। तो बस इस कंट्रोलर में इतनी ही सेटिंग है, और इसके बाद आप चला सकते हैं कोई भी डिज़ाइन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप से इस कंट्रोलर को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जिनको ये वाला कंट्रोलर चाहिए, तो ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे। आप जा कर के हमारे वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, या जो है आप हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो होप सो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।